गांववासी ध्यान दें, सभी गांववासी ध्यान दें। गांव ठाकुर में खगरा नदी का और देवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, निचले स्थानों में काफी पानी आ गया है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि गांव में नदी किनारे कच्चे स्थानों पर ना जाएं। नदी किनारे जिनके भी कच्चे आवास बने हो कृपया करके ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी में जंगल में जाने से बचें, अनावश्यक रूप से जाने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। आप सभी से अनुरोध है आप लोग नदी किनारे ना जाएं और नदी किनारे स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। मैदानी इलाकों विच पै रही भारी बरसात ने ता लोकां नूं पहला ही बेहाल कर दिता है ते हुण पहाड़ी इलाकों च पै रही मीह दा असर भी इन्हां मैदानी इलाकों विच साफ देखण नूं मिल रहा है। जिथे नदियां उफान ते ने खतरे दे निशान तों भी पाणी पार हो चुक्या है। पिंड दे पिंड इत्थे डुब रहे ने, घरां च समान घर अते नाल उन्हां दे पशु सब कुछ इस पाणी च वह रहा है। तस्वीरां बेहद खौफनाक ने जो सामने आईयां ने। जिथे पहाड़ी इलाकों दे विच लगातार बरसात हो रही है तो मैदानी इलाकों दे विच भी लगातार मीह पै रहा है, जिस करके नदियां दे विच पाणी छड्डिया जा रहा है ते असर सब तो ज़्यादा नदी कंढे वसदे पिंडां दे विच पै रहा है, जिथे पिंड दे पिंड प्रभावित हो गए ने, पाणी दे विच डुब गए ने। दस दिए कि लोगों के घर भी इस पाणी दे विच वह रहे ने, उन्हां दे घरां दा समान ते नाल ही उन्हां दे पशु भी इस पाणी दे विच रुड़दे जा रहे ने, जिन्हां नूं बचाउणा भी औखा हो रहा है। तस्वीरां देखो, घरां दीआं सिर्फ छत्तां ही नज़र आ रहियां ने, पूरे दे पूरे घर इस पाणी दे विच डुब चुके ने। उधर दूजे पासे गल करिए नदियां दी तां इत्थे उफान ते पाणी है, नदियां दा खतरे दे निशान तों पार हो चुक्या है। सड़कां दी गल करिए तां सड़कां विचालियों टुट रहियां ने, पाणी दा वहाअ इन्ना तेज़ है सड़कां दे उत्ते कि सड़कां दीआं सड़कां ही वह रहियां ने। तो इत्थे लोग जिहड़े ने उह ज़्यादा दिक्कतां दा सामना कर रहे ने, क्योंकि सड़कां टुटण दे नाल आपस च संपर्क भी टुट रहा है। कई इलाके जिहड़े ने उहनां दे विच लोग कैद हो के रह गए ने, क्योंकि सड़क टुटण दे नाल कोई भी राह नहीं बचिया। दूजे पासे सड़कां दे उत्ते बिल्कुल नदियां दी तरह पाणी वह रहा है, दरख्त अद्धे अद्धे पाणी दे विच डुब चुके ने, लोग इस पाणी दे विच चल भी नहीं सकते क्योंकि वहा इस पाणी दा लगातार तेज़ है। जो नदी दा पाणी है उह सड़कां दे उत्तों दी होके लंघ रहा है। तस्वीरां पीलीभीत दीआं ने, पीलीभीत दे कई इलाकियां दे विच अजिहे हालात ने कि लोग रह भी नहीं पा रहे ते उहनां दा उत्थों निकलना भी औखा हो गया। जनपद दी शारदा नदी उफान ते है, जिस करके पाणी लगातार वध रहा है। दस्सिया जा रहा है कि इस नदी दे विच पाणी छड्डिया गया सी, इस नदी दे विच 4 लाख क्यूसिक पाणी छड्डिया गया, जिस करके नदी दे कंढे वास्ते पिंडां दा हाल बेहाल हो गया है। पिंड दे पिंड इस विच डुब गए ने, लोग जिहड़े ने उह बड़ी मुश्किल दे नाल इस पाणी दे विचों निकल रहे ने। NDRF दीआं टीमां पहुंचियां होईयां ने, इत्थे बचाव कार्ज चलाए जा रहे ने, रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों नूं। जो डंगर इन्हां लोगों के पशु ने रुड़ रहे ने तो उन्हां नूं भी बचाया जा रहा है। पुलिस दे वल्लों भी लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि नदी का पाणी लगातार वधदा जा रहा है, कई पिंड प्रभावित हो चुके ने ते कई पिंडां वाले आफत आ रही है, जिस करके पिंड खाली कराए जा रहे ने। या लोगों को यह हिदायत की जा रही है कि उस जरूरी काम होने ते बाहर निकलन, नहीं तो कुछ दिन अजे घर के अंदर ही रहन। जिन्हां दे घर पानी विच डुब गए ने उन्हां नूं घर चो कढ के सुरक्षित थां ते ले जाया जा रहा है। दस दिए कि पीलीभीत दे कई अजिहे इलाके ने जो पानी दे नाल तहस नहस हो गए ने, सड़कां टुट गई ने, सड़कां दे उत्ते नदियां दा पानी वह रहा है ते लोगों के घर छत्तां तक पानी दे अंदर डुब गए ने। ऐसा है जैसा कि आप भी जानते हैं, आज चौथा दिन है जब लगातार दिन रात बारिश बहुत भारी रूप में जनपद में लगातार हो रही है, और पड़ोस में हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पे भी बारिश लगातार हो रही है, और पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी पहाड़ों में भारी वर्षा चल रही है, और उसके साथ ही साथ जो बैराज है उससे भी पानी नीचे पहाड़ से बहुत स्पीड से आ रहा है। और जो हमारी देवा नदी है और शारदा नदी है उसमें अभी बढ़ता हुआ ही ट्रेंड इस समय भी चल रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, तो इसीलिए जो लो लैंड एरिया हैं और स्पेशली ट्रेडिशनली जहाँ हमेशा थोड़ी बारिश में भी पानी भर जाता है, तो हमारी जो पूरनपुर और कलीनगर तहसील है उसके 7-8 गाँव हैं जहाँ पानी एक तरीके से जो जलस्तर का जमाव है, पानी चल रहा है, बहाव है, बट पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए वो वहाँ पे भरा हुआ भी है। NDRF की टीम जनपद में
तैनात है दोनों ही तहसीलों के लिए। ट्रांस शारदा में जो लोग जहां पानी भरा हुआ था उन लोगों को निकाल के जो हमारे शरणालय बनाए गए हैं स्कूल्स में वहां उन्हें पहुंचा दिया गया है सुरक्षित। उनके खाने पीने रहने और की सभी समस्त व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारे रमनगरा कुतिया कवर और ये जो गाँव हैं यहाँ भी पानी भरने की जो सूचना है यहाँ भी NDRF के द्वारा इनको बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। जन हानि की और पशु हानि की कोई सूचना अभी तक नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि जनपद में हमारे पास नाव नाविक गोताखोर रस्सी टॉर्च और लाइफ जैकेट ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी प्रकार की संसाधन और साधन की कोई समस्या नहीं है। PAC भी पहुंचने वाली है, PAC को भी बुला लिया गया है। हमारी जितनी भी विभाग हैं चाहे वो राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, ग्राम पंचायत विभाग है या पशु चिकित्सा विभाग है, ये सभी लोग फील्ड में हैं और रात भर सभी लोग गांव में ही गांव के लोगों को निकालते रहे, बात करते रहे और सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं वो भी गाँव में हैं और लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हमें विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से सभी लोगों को बाहर निकाल लेंगे। मैम कुछ सर्वे करने की बात आ रही है, देखिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है तो उसका जो बहाव है उसकी जो स्पीड है और उसका जो जो भी घन मीटर पानी की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से अभी तक दो सड़कें एक माधो टांडा रोड और एक गजरोला बीसलपुर रोड जो है कटने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही जलस्तर कम होगा PWD को और NHAI को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि वो सड़कों का सर्वे करेंगे और यथाशीघ्र उनकी मरम्मत और उनका निर्माण कराया जाएगा। थैंक यू।